पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। पॉइंट टू पॉइंट प्रोग्राम में आज हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड में फ्लैश फ्लड के बारे में। चलिए जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में उत्तराखंड के चमोली जिले के तपोवन दैनिक क्षेत्र में एक ग्लेशियर के टूटने से धौलीगंगा और अलकनंदा नदियों में बड़े पैमाने पर फ्लैश फ्लड की घटना देखी गई, जिससे ऋषिगंगा बिजली परियोजना को काफी नुकसान पहुंचा है। उत्तराखंड में जून 2013 में आई बाढ़ के कारण अत्यधिक जानमाल की हानि हुई थी। चलिए जानते हैं फ्लैश फ्लड के विषय में। फ्लैश फ्लड या अचानक आने वाली बाढ़ से आशय ऐसी बाढ़ की उन घटनाओं से है जहां वर्षा के कुछ ही घंटों के दौरान या बाद में जल स्तर काफी बढ़ जाता है। फ्लैश फ्लड बहुत अधिक उफान के साथ छोटी अवधि वाली अत्यधिक स्थानीयकृत घटनाएं होती हैं। आमतौर पर वर्षा की शुरुआत और चरम उफान वाली बाढ़ की घटना के बीच की अवधि 6 घंटे से कम होती है। फ्लैश फ्लड खराब जल निकासी लाइनों या पानी के प्राकृतिक प्रवाह को बाधित करने वाले अतिक्रमण के कारण भयानक हो जाती हैं। फ्लैश फ्लड और इसकी विभीषिका को देखते हुए विश्व मौसम विज्ञान संगठन की 15वीं कांग्रेस द्वारा वैश्विक कवरेज के साथ एक फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम परियोजना के क्रियान्वयन को मंजूरी दी गई थी। इस परियोजना को WMO के जल विज्ञान आयोग, अमेरिकी राष्ट्रीय मौसम सेवा, अमेरिकी जल अनुसंधान केंद्र, संयुक्त राज्य अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी आदि के सहयोग से तैयार किया गया है। अब जानते हैं फ्लैश फ्लड के कारणों को। ये घटना भारी बारिश की वजह से तेज आंधी, तूफान, उष्णकटिबंधीय तूफान, बर्फ का पिघलना आदि के कारण हो सकती है। फ्लैश फ्लड की घटना बांध टूटने, मलबा प्रवाह के कारण भी हो सकती है। फ्लैश फ्लड के लिए ज्वालामुखी उद्गार भी उत्तरदायी है, क्योंकि ज्वालामुखी उद्गार के बाद आसपास के क्षेत्रों में तापमान में तेजी से वृद्धि होती है, जिससे उन क्षेत्रों में मौजूद ग्लेशियर पिघलने लगते हैं। फ्लैश फ्लड के स्वरूप को वर्षा की तीव्रता, वर्षा का वितरण, भूमि उपयोग का प्रकार तथा स्थलाकृति, वनस्पति प्रकार एवं विकास या घनत्व, मिट्टी का प्रकार आदि सभी बिंदु निर्धारित करते हैं। विश्व के अधिकांश देशों में फ्लैश फ्लड से जुड़ी चेतावनी जारी करने संबंधी क्षमता का अभाव है। चलिए अब जानते हैं उत्तराखंड में बाढ़ आने के कारण को। ये घटना ऋषिगंगा नदी में नंदा देवी ग्लेशियर के एक हिस्से के गिरने से हुई, जिससे पानी की मात्रा में अचानक वृद्धि हो गई। ऋषिगंगा रेनी के पास धौलीगंगा से मिलती है, इसी कारण से धौलीगंगा में भी बाढ़ आ गई। अब जानते हैं उत्तराखंड में बाढ़ के बाद प्रभावित प्रमुख विद्युत परियोजनाओं को। ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट, यह है 130 मेगावाट की एक निजी स्वामित्व वाली परियोजना है। धौलीगंगा पर तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना, ये धौलीगंगा नदी पर निर्मित 520 मेगावाट की पन बिजली परियोजना थी। उत्तर पश्चिम उत्तराखंड में अलकनंदा और भागीरथी नदी घाटियों की कई अन्य परियोजना भी बाढ़ के कारण प्रभावित हुई है। एचई क्लासेस के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।